जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। बहुत ज्यादा परेशान थे आप लोग कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, कि दसवीं कर ली इंटर कर ली और डिग्री ले ली बीए की, कि दसवीं कर ली इंटर कर ली और डिग्री ले ली बीए की, एज पूरी हो तो घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि भर्ती देखनी है टीए की। लेकिन कहां से देखेंगे, 2019 से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, 3-4 साल हो गए हैं, बहुत सारे युवा परेशान होकर बैठ गए हैं, तैयारी अपना बंद कर दिए हैं। आप लोग तो देख रहे हैं जैसे नेवी की और एयरफोर्स की वैकेंसी आती है साल में दो, लेकिन उसी के साथ एक वैकेंसी आती थी टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, जो कि बंद हो गई है। 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, सभी भाई थक हार के बैठ गए हैं कि वैकेंसी नहीं आ गई है, तैयारी बंद कर देंगे। तो मैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूं, खुशखबरी है और दुख भरी भी कहानी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी, ज्वाइंट टेरिटोरियल इंडियन आर्मी और अग्निवीर ज्वाइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट इस समय बंद पड़ी है, कोई भी ओपन नहीं हो रहा है, सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है। अब क्यों डाउन चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि वैकेंसी कब आने वाली है, किस डेट में आने वाली है और फर्स्ट जोन के वैकेंसी कहां पे होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आप लोगों के लिए, तो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी वाले तैयार हो जाएं। वैकेंसी आ गई है, अब भाई कह रहे हैं 3-4 साल से वैकेंसी आ नहीं रही है, मैं तैयारी बंद कर दे रहा हूं। क्यों बंद कर दोगे भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फरवरी तक आप वेट कर लीजिए, अगर वैकेंसी नहीं लगी तो इसके बाद तैयारी करना बंद कर दीजिए, लेकिन अभी आप तैयारी करिए जो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो ना घर का है ना घाट का कहीं का, क्योंकि ना उनकी हाइट है और ना उनका एज है। उनका मेन एक था टेरिटोरियल इंडियन आर्मी, वो उसमें जा सकते थे, देश की सेवा कर सकते थे और अपने सपने को साकार कर सकते थे, जो बचपन से सपना था कि वर्दी पहनेंगे और AK-47 के साथ शादी करेंगे, तो उनका सपना साकार होने वाला है 2024 में वैकेंसी आएगी, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं, 15 फरवरी से वैकेंसी आएगी, बहुत ज्यादा दिन से वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि सारे रेजिमेंट, चाहे वो जो डोगरा रेजिमेंट हो, चाहे वो फतेहगढ़ हो, चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, चाहे वो कहीं का भी हो, जितने रेजिमेंट है सारे खाली पड़े हैं, ठीक है ना, सब रेजिमेंट में वैकेंसियों की बहुत ही भरपूर वैकेंसी आने वाली है। पहले टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में जब फर्स्ट जोन या सेकंड जोन की वैकेंसी होती थी तो 100 से 150 पद आते थे, लेकिन अब कितने पद आएंगे आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जैसे यूपी पुलिस में 45,000 आता था, 40,000, 30,000, 15,000, 32,000 ऐसे वैकेंसी आई हैं, लेकिन इस बार 62,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे लोगों को सपना साकार हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप थक के बैठ गए कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो वैकेंसी 2024 में 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी वैकेंसी, मैं आशा दिलाता हूं, फौजी भाई आशा दिलाता है, ठीक है ना। आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद जब वैकेंसी आने वाला है, इसके बाद आप बैठ गए तो फिर क्या होगा, पता है साल में एक वैकेंसी आती है टेरिटोरियल का, इंडियन आर्मी का, अगर आप बैठ गए तो रनिंग कितना हार्ड होता है, 400 बंदे दौड़ाते हैं, 3-4 बंदे पकड़ते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप रनिंग में एक दिन मिस्टेक कर गए ना, तो समझ लो 2 से 3 सेकंड का फर्क पड़ सकता है, और 2-3 सेकंड पड़ने का फर्क उस बंदे से जाके पूछो जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, जो 400 में 4 पकड़े जाते हैं, उनसे जाके पूछो कि 2-3 सेकंड का क्या फर्क होता है, 2-3 सेकंड में 14 से 15 लड़के आगे हो जाते हैं, तो आपका सपना जो बचपन से है एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी भरपूर करना है, बैठना थक हार के नहीं है, क्योंकि वैकेंसी मैं बोल रहा हूं 15 फरवरी तक आप वेट कर लो, इसके बाद अगर नहीं आई वैकेंसी तो कभी भी नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। तो आप लोग तैयारी कर ले अच्छे से। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, एज लिमिट क्या क्या होगा। एज लिमिट आपका होगा 18 से 45 साल तक टेरिटोरियल इंडियन आर्मी। हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आपका हाइट कुछ भी हो चल सकता है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में वही जाते हैं जिनका ना हाइट होता है और जिनकी ना एज होती है, एज लिमिट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अग्निवीर में एज होता है 18 से 23 साल, 18 से 21 साल जीडी के लिए, सॉरी 17.5 से 21 साल जीडी के लिए ऐसा होता है, लेकिन टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में 17.5 से आप 45 साल तक क्रॉस कर सकते हैं, देख सकते हैं वैकेंसी को। तो वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को थक के ना बैठना है। डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, अगर आप ट्रेडमैन में जाते हैं तो 8 पार्ट्स की मार्कशीट लगेगी, आप 8 पास करके ट्रेडमैन में जा सकते हैं,
ठीक है। अब पुलिस वेरिफिकेशन आपका लगेगा। अब बोलेंगे लोग कि पहले रिटर्न होगा या दौड़ होगा, जैसे अग्निवीर में पहले रिटर्न कर दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेरिटोरियल की वैकेंसी जैसे पहले होती थी उसी तरीके से होगी, लेकिन टेरिटोरियल में जो नया अपडेट आया है और अभी वेबसाइट डाउन चल रहा है क्योंकि अपडेट हो रहा है, ऐसा मुझे मिला है हेडक्वार्टर से मैसेज। अगर आपको गलत लग रहा है कि हेडक्वार्टर में कौन है, हेडक्वार्टर में हमारे बहुत सारे हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, जो लोग बताते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की वैकेंसी कब आएगी, तो सारा अपडेट हमको देते हैं। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, पूरा बातें शेयर कर देंगे उनका जो बात हमने उनसे किया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेंगे, कुछ बढ़ोतरी होके आया है। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो बाद में लगता था रनिंग का, वो पहले लगेगा आपका, ठीक है। और इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स है मैंने बता दिया, अविवाहित विवाहित का कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ अग्निवीर में होता है। अग्निवीर वैकेंसी 18 से 23 साल के लिए होता है, तो उसमें अगर आप विवाहित हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल में ऐसा कुछ नहीं है। टेरिटोरियल में अगर आप विवाहित हैं तो आप जा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ठीक है ना, टेरिटोरियल में। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। बहुत सारे ऐसे भाई बोलते हैं, भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हमें पता है, हमें ये बताओ कि वैकेंसी कब आने वाली। भाई हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं जो पहली बार जा रहे हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की वैकेंसी देखने। उनको ये तक नहीं पता है कि क्या क्या मार्कशीट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है ना। मैं उनके लिए बताया हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो घूम फिर के बात वहीं आती है दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर ना बैठ, AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। मेरा बात है, हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे, थक के बैठ जाएंगे, तो आपका सपना साकार नहीं होगा, जो आपका बचपन से सपना था, हम इंडियन आर्मी में जाके, ठीक है ना, दुश्मनों को चूर चूर कर दे, भारत माँ की रक्षा करें, सेवा करें, हमको एक बार वर्दी पहननी है। तो वर्दी पहनने के लिए आप लोगों को बहुत ही कड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी अब आने वाली है, और वैकेंसी बहुत ही बंपर आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। सारे हेडक्वार्टर, सारे रेजिमेंट खाली पड़े हैं, वर्कर्स की जितनी भी जगह है सब खाली पड़ी है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और आप लोगों का सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो कमर कस लें और तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, और रिटर्न पे ज्यादा करके फोकस करें, रनिंग और रिटर्न दोनों फोकस करें। मेडिकल तो आपका हो ही जाएगा, मेडिकल के लिए रीमेडिकल भी लगा देते हैं, तो उसमें भी टाइम दे दिया जाता है, लेकिन रिटर्न आपका भी हार्ड होगा और रनिंग भी हार्ड होगी, ठीक है ना। रनिंग तो पहले से ही हार्ड होती है इंडियन आर्मी में, तो आप लोग रिटर्न और रनिंग पे फोकस करिए और अपने सपने को साकार करिए, फरवरी तक देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद मार्च में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर फरवरी तक वैकेंसी नहीं आई तो मार्च में नहीं आएगी, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी बंद ही हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे वैकेंसी आते रहते हैं जैसे जिसमें एज लिमिट नहीं होती, जैसे नेपा की वैकेंसी होती है, जो इंडियन आर्मी में बंकर्स और बंदूकें भेजते हैं, काम कराते हैं, जैसे सिपाहियों का जो मतलब साथ देते हैं, जैसे बंकर्स बनते हैं, वहां पे नेपा वाले लगते हैं, ठीक है ना। तो उनका रिटर्न नहीं होता है, उनका सिर्फ रनिंग होता है और मेडिकल चेकअप किया जाता है, और ट्रेनिंग उसी प्रकार से होती है जैसे फौजियों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो वो लोग उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेपा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अभी वैकेंसी आई थी तो फिर वो रद्द कर दिया गया है, फिर से आने वाली है, तो जैसे भी आती है हम बताते हैं। तो लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे हैं, तो चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अन्य कोई वैकेंसी आए तो हम आप लोगों को अपडेट तुरंत दे दें, आप लोगों के पास पहुंच जाए और आपका सपना साकार हो। जय हिंद, वंदे मातरम, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।